हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ दोस्तों, 10, 12 ITR डिप्लोमा BTech जैसा भी कैंपस हो वो मैं लाने की कोशिश करता हूँ। और कैंपस बड़ी हो या छोटी हो, वैकेंसी बड़ी हो या छोटी हो, सैलरी बड़ी हो मतलब सैलरी ज़्यादा हो या कम हो, जैसा भी हो वो मैं लाने की कोशिश करता हूँ। कब किसको कौन सी कंपनी पसंद आ जाए मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो ज़्यादा मुझे पता चलेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपनी का भी नाम आप देख रहे हैं, मित्सुबा सिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कौन सी कंपनी कहाँ की है। तो ये कंपनी आपका, इनका अगर लोकेशन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो लोकेशन यहाँ पर आपका बिलासपुर गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। तो पथेरी विलेज, पथेरी गांव, पथेरी गांव, तोरू रोड बिलासपुर गुड़गांव, ठीक है। ये एड्रेस के आसपास जो है, क्योंकि मैं देखिए जब भी एड्रेस आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि जो एड्रेस के आसपास है वो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे दूसरे स्टेट के या राज्य के भी अगर बंदे जाना चाहते हैं, आप लोग जाना चाहते हैं तो ठीक है, पर अभी लॉकडाउन की वजह से मैं बार बार ये चीज़ को इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है। छोटी सी पैसा अपने पास रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, खर्चा आना जाना फिर दिक्कत है। तो जिनको जाना वो जा सकते हैं, मैं अपनी तरफ से प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, पर जो गुड़गांव बिलासपुर के आसपास हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो अदर राज्य के, अदर स्टेट के हैं वो भी अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये बात पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखे चले जाए, सोच समझ के आइए जाइए, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ तो लॉन्ग वीडियो जाएगा। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 200 है, ठीक है। और आपका ट्रेनिंग एकदम फ्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस भी है तो चलेगा, फ्रेशर भी है तो चलेगा। और इसमें मेल आपका 30% और फीमेल 70% चाहिए, ठीक है। और दोस्तों पास आउट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2016 ओनली फॉर 2016 चलेगा, ठीक है। और अगर क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसमें आपको सैलरी इनको मिलेगा डिप्लोमा वालों को 11,300 इन हैंड, ठीक है। और जो मेरे भाई लोग बीटेक किए हुए हैं उनको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सैलरी इसमें 14,800 इन हैंड। तो ये ओनली फॉर आपके जो डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं उनके लिए है मौका। मेरे वीडियो में भी मैसेज आया था, ठीक है, एक मेरे भाई ने ही कमेंट किया था कि सर बीटेक के लिए भी कैंपस लाइए, तो उनके लिए भी ये है, ठीक है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका, मैं बीटेक डिप्लोमा ITI 10, 12 कोशिश करूँगा, जहाँ तक हो सकता है मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द लाने करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये डिप्लोमा का सैलरी है 11,300 और ये आपका बीटेक का सैलरी है 14,800, ठीक है। और इसमें आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों में सेम है, डिप्लोमा और बीटेक में मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और अगर एज की मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इसमें 18 से 27, ठीक है। और इसमें आपकी फैसिलिटी की मैं बात करता हूँ और ड्यूटी आवर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 8 घंटा आपका ड्यूटी आवर है और फ्री आपको कैंटीन और ड्रेस आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कैंटीन फ्री, ड्रेस फ्री और 8 घंटा आपका ड्यूटी आवर है। और ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो आपको सिंगल मिलेगा, ठीक है। और आपका जो वर्किंग एरिया रहेगा एकदम कंफर्टेबल रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो फुल्ली हाइजीनिक वर्किंग एरिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको काम करने में। और आपको अगर इंटरेस्ट है आपको इस कंपनी में काम करने का तो आप एक बार, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बोलता हूँ तो आप यकीन भी कर लो, ऐसा बात नहीं है। आप भी एक बार कंपनी का नाम गूगल में सर्च कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो CV सेंड कर दीजिए। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ईमेल आईडी, जिस नंबर में मैं जिस वीडियो में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देता हूँ, तो कम से कम CV भेज दिया कीजिए। जब सिचुएशन हो, अगर किसी कारण नहीं जा पाए तो कभी सिचुएशन सही हो सकता है, कंपनी आपसे फिर दोबारा कॉन्टेक्ट करे, तो मैं ये मेरी अपनी सोच है, मैं बार बार कहता हूँ। तो चलिए, अगर आपको ये कंपनी पसंद आती है तो यहाँ पर 2 ईमेल आईडी दिया गया है, आप ये ईमेल आईडी में अपना, सॉरी, एक ईमेल आईडी और एक वेबसाइट दिया, तो ईमेल आईडी में आप अपना CV सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये ईमेल आईडी आप वेबसाइट में नीचे भी मेंशन कर दूंगा। और हमेशा वीडियो के तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सारा जानकारी ईमेल में वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। जो कैंडिडेट CV भेज दिए हैं वो दोबारा ना भेजें, नहीं तो CV रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है कि ओनली फॉर एक बार सीबी आप भेजे, दोबारा अगर सीबी आप भेजते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग सीबी भेजने टाइम, ठीक है। और यहाँ पर एक और इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रिज्यूम के साथ कंपनी का नाम भी भेजे, ठीक है। जब आपको कंपनी जब रिज्यूम भेजिए तो आप कंपनी का नाम ऊपर मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर प्लेसमेंट इंचार्ज सर का नंबर दिया हुआ है, तो आप 9525724282 ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। जब सीबी आप सेंड कर दीजिएगा तो उसके बाद आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा सर कि मैं ये ईमेल आईडी था मैं भेज दिया हूँ, मैं बीटेक हूँ, डिप्लोमा हूँ, ये करके बात करके फिर आगे का प्रोसेस ये जैसा बताते हैं आप वैसा कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और शेयर लाइक कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त फ्रेंड जो भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं उन तक मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं इसी तरह अपडेट रहता हूँ कैंपस को लेकर, तो आपको भी अपडेट करता रहूँगा। और अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, तब तक अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।